हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा चौहान फैमिली। तो फ्रेंड्स, मैं पैकिंग कर रही हूँ और पैकिंग करने से पहले सबसे पहले मैं कपड़ों में प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि गुड़िया के कुछ कपड़े कॉटन के हैं तो कॉटन के कपड़ों में प्रेस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉटन के कपड़े में अगर प्रेस नहीं करते तो कपड़े थोड़े ना वैसे हो जाते हैं, मतलब मुरझाए मुरझाए रहते हैं। तो पहले मैं कपड़ों में प्रेस कर लेती हूँ। गुड़िया के कपड़ों में प्रेस मैंने कर ही लिया है, उसके बाद मैं अपने कपड़ों में प्रेस करूँगी। थोड़े बहुत मेरे सूट है प्रेस करने के लिए, तो पहले मैं वो करूँगी। और मेरी बेटी को देखिए कैसे मस्ती कर रही है मास्क लगा के, क्योंकि बच्ची है, छोटी गुड़िया है, तो ये घर में ही इतनी मस्ती करती है। बस ये दोनों भाई बहन बहुत मस्ती करते हैं, बहुत नटखट हैं। तो मैं अपने कपड़ों में प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने के बाद फिर मैं करूँगी पैकिंग, क्योंकि पैकिंग भी ज़रूरी है और 2:30 बजे ट्रेन भी है हमारी। तो बस मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं गुड़िया के कपड़े रख लेती हूँ, क्योंकि छोटी गुड़िया है, इसका कोई सामान ना रह जाए, जैसे डायपर और साथ में मेडिसिन। मैं जब भी कहीं ट्रैवलिंग करती हूँ तो गुड़िया की दवाई, डायपर्स, ये सब मैं ज़रूर रख लेती हूँ, क्योंकि जैसे रास्ते में कभी ज़रूरत पड़ जाए तो दे दो बच्चों को। फिर मैं अपने बेटे का बैग पैक करूँगी, क्योंकि अभी मेरा बेटा भी छोटा है तो उसको इतनी समझ नहीं है कि मैंने कौन से कपड़े रखने हैं कौन से नहीं। तो बस मैं पहले अपने बेटे के कपड़े भी रख लूँगी। और मेरी बेटी को देखिए कैसे अपने भाई के साथ मस्ती कर रही हैं। इन दोनों भाइयों बहनों की तो मस्ती बस चलती रहती है। और ये वाली जो टी शर्ट है ना, मेरे बेटे की छोटी हो गई है, तो मैंने बोला कि इसको अंदर रख दो, क्योंकि छोटी हो गई है और इसको ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप अंदर रख दो। तो बस अब मैं आई हूँ किचन में, ट्रैवलिंग के लिए खाना बनाना है। सफ़र में घर का खाना ही सही रहता है, बाहर का मुझे कम पसंद है। जैसे मजबूरी हो तो चलो बाहर का खा लेते हैं, पर मैं घर का ही खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ सफ़र में ले जाने के लिए। तो आलू बॉयल मैंने होने के लिए रख दिए हैं, और साथ में मैं बनाऊँगी पूड़ी। तो पूड़ी का आटा भी लगाना है। तो आटा लगाने से पहले मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया है, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा नमक डालूंगी, क्योंकि पूड़ी जब भी मैं बनाती हूँ तो उसमें अजवाइन, कस्तूरी मेथी और नमक मैं ज़रूर डालती हूँ, जिससे पूड़ी का जो टेस्ट होता है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। एक बार आप सब भी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। तो आटा लगभग लग चुका है, अब मैं बनाऊँगी पूड़ी। पूड़ी तो एकदम बन जाती है, पूड़ी बनाने में टाइम नहीं लगता, बस तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर तेल अच्छे से गर्म है तो पूड़ी भी झटपट निकल जाती है, क्योंकि पूड़ी बनाने के लिए तेल को ना बहुत हीट टेम्परेचर चाहिए होता है। तो बस पूड़ी बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता। और दूसरी तरफ तो आलू मेरे बॉयल हो ही चुके हैं और गैस मैंने बंद कर दी है, जैसे कुकर की सीटी निकलेगी तो मैं आलू को छील के फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और सफ़र में वैसे भी ना बच्चों को घर का खाना ही ज़्यादा पसंद आता है, और वैसे तो मैं रोटी भी बना सकती हूँ, पर मेरे बच्चों को पूड़ी ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं पूड़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे पहले हैं, बच्चों की खुशी के लिए तो माँ बाप को करना ही होता है। तो जो बच्चे चाहते हैं वो हम भी चाहते हैं, तो बस बच्चों की पसंद की पूड़ियाँ बना रही हूँ। रोटी वैसे सफ़र के लिए सही नहीं रहती, क्योंकि जो रोटी होती है ना वो काफ़ी सूख जाती है और खाने में अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि नाइट का खाना लेके जा रही हूँ, दोपहर की ट्रेन है 2:30 बजे, तो नाइट को ही खाना है, दोपहर को तो हम खा के ही जाएंगे। पूड़ी लगभग बन चुकी है, अब सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी भी मेरी बन गई है। तो उसके बाद सब्जी बनाने के बाद मैं करूंगी किचन की सफाई, जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए हैं वो मैं धोऊंगी।
बर्तन धोने के बाद और किचन साफ़ करने के बाद मैं आई हूँ रूम में, और रूम में आके देखा तो दोनों बच्चों ने क्या धमाल मचाया हुआ है रूम में। ये देखिए जो आपको दाने दिख रहे हैं, ये देखिए चावल के दाने इन बच्चों ने फेंके हुए हैं। बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे हैं घर में। फ्रेंड्स, अगर आप सबके घर में भी इतने शरारती बच्चे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे घर में तो दोनों बच्चे बहुत शरारती हैं और नाक में दम करके रखते हैं। सुबह ही मैंने झाड़ू पोछा और पूरा घर सेट किया था, और अभी देखें 12:12 बज रहे हैं और इन दोनों ने रूम का क्या हाल किया हुआ है। तो मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। तो बस अब रूम सेट करने के बाद उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। वो इसलिए क्योंकि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा चावल के दाने भी नीचे गिरा रखे हैं, अनाज है पैरों में आएंगे। तो बस सबसे पहले मैं उसको हाथ से उठाऊंगी अनाज को, पैरों में ना आए किसी के। तो बस पहले मैं बेडशीट बिछा देती हूँ बेड पे। बेडशीट बिछाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। मैं जब झाड़ू लगा के अंदर आई तो देखा दोनों भाई बहन कितने मज़े से सो रहे हैं और कितने आराम से सो रहे हैं। देखिए भाई बहन का प्यार कितना अच्छा होता है, एक दूसरे के मुंह पे हाथ रख के पैर रख के कैसे सो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑटो आ चुका है, अब हम निकल चुके हैं घर से। मैं घर से निकलने के टाइम का क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि मैंने अपना फ़ोन बैग के अंदर रखा हुआ था। मेरी गुड़िया सो रही थी तो मेरे गोद में ही थी गुड़िया, तो इस वजह से ये है हमारी पूरी कॉलोनी का सीन। हम आगे हैं स्टेशन, ये है हमारा ब्यूटीफुल पटियाला सिटी। और हमारा जो पटियाला सिटी है वो काफ़ी फेमस है, पटियाला सूट, पटियाला पैग काफ़ी फेमस है। ये है हमारा पटियाला स्टेशन। और मैं अपनी बेटी को ना सोती हुए को उठा लाई क्योंकि सो रही थी और मैंने ठीक नहीं समझा इसको उठाना। अगर मैं उठा देती तो काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती और कच्ची नींद में उठती तो रास्ते में परेशान भी करती, इस वजह से मैंने उठाया नहीं इसको। और मेरी बेटी को देखिए कितने मज़े से स्टेशन में खेल रही है। कपड़े वैसे सही ही हैं, इतने भी बेकार कपड़े नहीं हैं, कोई बात नहीं। अगर मेरी बेटी चेंज करना चाहेगी तो मैं अंबाला स्टेशन में कपड़े चेंज कर दूंगी, वरना तो इसी में ले जाऊंगी। और मेरा ब्रदर, बेटा, पतिदेव जी खड़े। हम इसी ट्रेन से उतरे हैं अंबाला स्टेशन और थोड़ा वेट करेंगे स्टेशन में क्योंकि हमने एक नंबर प्लेटफॉर्म में जाना है, और जब ये ट्रेन जाएगी तो हम जाएंगे। जाती है शाही जर्दी, और ये देखिए हमारे पतिदेव जी हमारी वीडियो में आना नहीं चाहते, बट हम भी जिद्दी है, हम भी इनको वीडियो में नहीं लेते हैं। और ये दो दूध खड़े हुए हैं, मैं अपने दो दूध को दिखा देती हूँ। एक छोटा दूध ये है, परेशान कर रही है, बहुत परेशान करती है ये, मुझे ट्रेन में बहुत परेशान करती है। अभी हम दूसरे ट्रेन में बैठूंगी ना तो मैं आप सबको इसकी शरारतें दिखाऊंगी, कैसे शरारतें करती है ये। अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, हमें एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है, बट अभी ट्रेन बैठी। ये देखिए कैसे लेट गई, अभी मेरे हस्बैंड के दोस्त मिल गए थे, देखो छेड़ा खाली चलती है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अभी मैंने आप सबको बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा।
अब हम आ गए हैं वेटिंग रूम में। ये जो वेटिंग रूम है ये एसी वाला वेटिंग रूम है। और मेरी बेटी को देखिए जूस पी रही है, इसने ना कपड़े चेंज नहीं करवाए। मैंने बोला आप कपड़े चेंज कर लो, तो कह रही नहीं मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगी। तो मैंने कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी रात होने वाली है, तो जहाँ हम जा रहे हैं वहीं पे अब उसको नहला के कपड़े। आ गया है A1, इसमें हम बैठेंगे अभी। हाँ दीदी को दे दो।